आधार कार्ड इनको बने नहीं है, इसलिए हम लोग भेज रहे हैं, एडमिशन नहीं कराए सरकारी स्कूलों में। नीचे भेज रहे हैं ताकि इतना ही मतलब भेज रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे होशियार हो गए ताकि ज्ञान बढ़े इनके आगे और सुरक्षित रहे और फिर अपना पढ़ लिख के कुछ आगे कर सकते हैं। माँ तो गरीब थी तो मैंने कुछ कर पाया, लेकिन हमारे लड़का बच्चा हमारे ख्याल से कुछ कर सके। हर पील के नीचे जा रहे हैं तो कुछ सुरक्षित होगी, जाओ मेरे आगे स्कूलों में जाएंगे तो कुछ ज्ञान बढ़ेंगे। रहना यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन बन रही थी, वहाँ पर जो है मैं मेट्रो को देखने के लिए गया था। वहाँ बराबर पर जो है कुछ बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाते थे, उनके माँ बाप वगैरह से मैंने बात किया। उन्होंने कहा था कि हम अभी गांव से आए हैं, कुछ दिन यहाँ पर रहेंगे, कुछ पैसे कर्जा पानी हो गया उसको अदा करने के लिए हम दिल्ली में आए हैं, उसके बाद चले जाएँ। क्यों ना इनको बच्चों को थोड़ा पढ़ाने का हम काम यहाँ पर शुरू करें। एक पेड़ के नीचे बैठ करके दो बच्चों से दूसरे दिन जो है मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। 3-4 महीने में 140 बच्चे वहाँ पर हो गए थे। आम पब्लिक के सहारे ये स्कूल चलता है, आम पब्लिक के सहारे बिस्कुट मिलता है, कॉपियाँ आती है, पेंसिल आते हैं, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनकी क्षतिपूर्ति होता है। यहाँ से बच्चे बहुत सा पैरामेडिकल में ट्रेनिंग लिया, DPMI में गया, लैब टेक्नीशियन का कोर्स पूरा किया। पुष्प दो बच्चों से लेकर के चला थे, 250 से 300 बच्चे का नाम यहाँ पढ़ रहे हैं। कई एक दिन में ये सोचता मैं नहीं जा रहा यार, छोड़ो मैं नहीं पढ़ाने जा रहा, क्या करूँगा जाकर, वहाँ पर ना मिलता है कुछ ना वरना करना में ऐसी कोई बात है। फिर मन में अंदर से विचार आ रहा है यार तुम नहीं जाओगे ना, 200-250 बच्चे आएंगे लौट के जाएंगे। ऊपर वाले ने इनके साथ में हमारी ड्यूटी लगा रखी है, पता नहीं क्या इनके भविष्य में है, क्या हमारे भविष्य में, जैसा हमारे से हो पा रहा है उतना हम कर रहे हैं।